चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज आल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, हजूर मेहरबानी, आपने पहली बार मैं चुन के आया हूँ, आपने मौका दिया। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी हल्के से मुझे चुना गया, मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने महबूब नरेंद्र भाई मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का। भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने गायक हंसराज हंस ने शनिवार को जेएनयू के एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बारे में अपनी राय रखी। हंसराज हंस ने कहा कि दुआ करो कि सब कुछ अमन से रहे और कोई भी बम न चले। हमारे बुजुर्गों ने गलतियां की हैं और सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। मैं कहता हूं कि जेएनयू का नाम भी बदलकर एमएनयू कर दो। आखिर मोदी के नाम पे भी कुछ तो होना चाहिए। और खुशी इस बात की भी है कि कश्मीर अब वाकई जन्नत होने वाली है। अब जन्नत वापस आ रही है। 370 वाला मामला सबको अच्छा लगा है। आप दुआ करो, प्रे करो, सब लोग अमन अमान से रहें, मोहब्बत से रहें। तो बम तो ना ही चले, अम्ब ठीक है। मेरी तो यही दुआ है, कभी बम ना चलाने पड़े। बंदा इधर का मरे उधर का मरे, जाता एक माँ का बेटा ही है। चाहे बाद में परमवीर चक्र दो, धर्मवीर चक्र दो, माँ का बेटा वापस नहीं आता। बस प्रे करो कि ये सब होना नहीं था। अगर वो बंदे के पुत्र बन के रहते तो उन्होंने ये नौबत ले आए। हमारे बुजुर्गों ने गलतियां की है, हम भुगत रहे हैं। ये जे का तो मतलब तो उन्हीं की वजह से कुछ हुआ था। तो मैं तो कहता हूं कि है तो पता नहीं अजीबो गरीब लगेगा, रेलेवेंट है या नहीं, इसका नाम रख दो है एमएनयू। मोदी जी के नाम पे भी कुछ होना चाहिए। इन्होंने संत लफ्ज का लिए यूज किया, वो वाकई में अब सियासतदान से ट्रेंस हो गए हैं, इनलाइटेंड हो गए हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके उनका जो जो चल रहा है, जो इम्पॉसिबल था, मुश्किल था, वो उन्होंने जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिखाया है। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हंसराज हंस ने कहा कि मेरी यही दुआ है, एक भी शख्स की अगर मौत होती है इधर से या फिर उस तरफ से, तब मरता एक माँ का बेटा ही है। पीएम मोदी के बारे में बोलते हुए हंसराज हंस ने कहा कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में नशे के कारोबार पर बोलते हुए कहा कि हर हाल में नशे को खत्म करने के लिए मजबूत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट से भाजपा के टिकट पर संसद पहुंचने वाले हंसराज हंस पेशे से गायक हैं। हंसराज हंस के गाए हुए कई गाने लोगों के जहन में आज भी ताजा हैं, जिनमें दिल चोरी साड्डा हो गया ने युवाओं में खासी धूम मचाई थी। हंसराज अपनी बात लोकसभा में भी शायराना अंदाज में रखने के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में हंसराज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अपनी कविता सुनाई थी। तो प्रे है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। उन्होंने कहा, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने ही सिखाई है कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।